हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपने रीसेंट फेवरेट प्रोडक्ट का रिव्यू। चाहे हम बाहर जा रहे हैं घर से या तो हम घर के अंदर रह रहे हैं, तभी आप लोगों को सनस्क्रीन जो है वो मस्ट है। यस, अगर आप घर पे रहते हैं तब भी सनस्क्रीन मस्ट है गाइस। आप लोग सोचते होंगे कि हम तो बाहर नहीं जा रहे हैं तो हम घर पे ही हैं तो हम क्यों सनस्क्रीन लगाएं, तो ऐसा नहीं है। सन प्रोटेक्शन आप लोग को घर के अंदर भी ज़रूरी होता है उतना ही जितना घर के बाहर होता है। और आप लोग को सनस्क्रीन जो होती है वो ऐसा नहीं होता कि आपने दिन में एक बार लगाई और सारा दिन आप उसी सनस्क्रीन से काम चला सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप लोग को सनस्क्रीन जो होता है वो कुछ घंटों घंटों बाद दोबारा से रीअप्लाई करनी पड़ती है। तो जैसे हम बाहर जाते हैं, घर पे हैं तो ठीक है, रीअप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हम मेकअप करके नहीं घर पर बैठते हैं। बट अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम सनस्क्रीन जो है वो कैसे रीअप्लाई कर सकते हैं अगर हमने अपनी स्किन पर मेकअप किया हुआ है? ये थी मेरी भी प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोग के लिए एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ, जो कि है ये रियो हर्ब्स का। यस गाइस, आप देख सकते हैं, ये रियो हर्ब्स का सन प्रोटेक्शन स्प्रे है जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है। और ये SPF 50 के साथ है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम 100 ml की बॉटल है ये, जिसका प्राइस है 499 rupees। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये जो प्रोडक्ट है ये भी काफ़ी ऑफर्स पे आता रहता है। आप चाहें तो रियो हर्ब की डायरेक्ट वेबसाइट से भी इसे बाय कर सकते हैं, अगेन अमेजोन से इसे बाय कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसको रिकॉर्ड की वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी डील में कई बार आता रहता है, तो मैंने भी इसे एक बार डील पर बाय किया था। मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मेकअप के बाद हम कैसे बार बार रीअप्लाई करेंगे यार, मतलब क्रीम कैसे लगाएंगे? हम ज़्यादातर क्रीम ही अप्लाई करते हैं सनस्क्रीन की। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमें अपने सारे प्रोडक्ट्स को ऐसा ही आजकल यूज़ करना चाहिए, मीन्स समर में ऐसा प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जिनके अंदर ऑलरेडी SPF हो, तो ये डबल प्रोटेक्शन देता है। और साथ ही साथ ये स्प्रे वाला होने की वजह से ये आपकी स्किन को मॉइस्चर भी करेगा, साथ ही साथ आपके मेकअप को फिक्स भी करेगा, लॉक करेगा। यस, ये एज अ मेकअप सेटिंग स्प्रे भी वर्क करेगा, आप इसे अगर मेकअप करने के बाद यूज़ करते हैं तो। और साथ ही साथ ये आपको प्रोटेक्शन भी देगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। मैंने काफ़ी सनस्क्रीन्स यूज़ करी है, मुझे ज़्यादातर सनस्क्रीन सूट नहीं करती है, मेरी स्किन पर क्या होता है टीनी बम्स जो है वो आ जाते हैं, तो मैं इतना ज़्यादा कोई भी, इवन की काफ़ी अच्छी न्यूट्रीजिना बहुत लोगों को सूट करती है, बट वो मुझे नहीं सूट करी थी पर्सनली। आई डोंट नो क्यों नहीं मुझे सूट करी, बट इसलिए मैंने फिर काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रही थी कि मैं क्या बाय करूँ क्या बाय करूँ, बट मैंने इसका कहीं रिव्यू देखा, और रिव्यू देखने के बाद मैं भी अपने प्रोडक्ट्स को रिव्यू सर्च करने के बाद ही बाय करती हूँ, उन्हें ट्राई करती हूँ। कई प्रोडक्ट्स वो रिव्यू अच्छे होने के बावजूद भी मुझे नहीं अच्छे, मेरे स्किन पे नहीं अच्छे रहते हैं, तो बट मैं आप लोगों से उनके बारे में भी शेयर करती हूँ, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा है। इसको मैंने, आई थिंक ये मेरी दूसरी बॉटल होगी, आप देख सकते हैं, लेट मी जस्ट जूम इट। यस, ये करीब इतना सा ही बचा है, इतना सा ही बचा है ये, और ये मेरी दूसरी बॉटल होगी। इसके बाद मेरे पास एक स्टॉक में और बॉटल पड़ी है। ये प्रोडक्ट मैंने अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किया, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। ये प्रोडक्ट मैंने अपनी सिस्टर को भी रिकमेंड किया तो उसको भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अब फाइनली मैं आप लोगों को भी ये प्रोडक्ट रिकमेंड करूँ कि एक बार इस प्रोडक्ट को यूज़ करके देखिएगा। जिनकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, बहुत सारे उन्होंने सनस्क्रीन वगैरह यूज़ कर लिया है, कुछ भी उनको नहीं इतना ज़्यादा सूट कर पा रहा है, उनके फेस पे टीनी बम्स हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो एक बार आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये सिलिकॉन फ्री है एंड क्रुएल्टी फ्री है, और मिनरल ऑयल भी नहीं है इसके अंदर, एंड इसके इंग्रीडियंट्स जो है काफ़ी अच्छे, इन लोगों ने इंग्रीडियंट्स यूज़ किए हुए हैं। तो इसको आप लोगों ने यूज़ करने से पहले शेक करना है, उसके बाद अपने फेस पे इस तरीके से स्प्रे कर लेना है, और फिर इसको ड्राई आउट हो देने देना है। ड्राई होने देंगे तो ये आपके फेस को एक क्यूट सी शाइन भी देगा, मॉइस्चर जैसे मैंने बताया मॉइस्चर भी करेगा, और
आपके स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा। मुझे ये स्प्रे वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा इन लोग का। वैसे और भी काफ़ी प्रोडक्ट मैंने सुना है कि मार्केट में अब आ गए हैं स्प्रे में, बट मैंने उन्हें यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं मैं उन्हें यूज़ करके उनका भी रिव्यू आप लोग से शेयर करूँ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी उसका वीडियो। एंड गाइज, अब मैं अपनी वीडियोस को कंटिन्यूटी में लाने वाली हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आते रहें। एंड यस, सल्फेट और पैराबेन फ्री भी है ये प्रोडक्ट, तो मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा है। आप इसे ट्रैवल फ्रेंडली भी है, ट्रैवल आराम से कर सकते हैं इसे लेके इसकी, क्योंकि बॉटल काफ़ी स्टडी है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये आपके स्किन पे और ज़्यादा ऑयल नहीं लेके आएगा, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चर से लॉक रखेगा। तो आप टेंशन फ्री रहिए, आप इस पर क्योंकि मेंशन भी है कि ऑल स्किन टाइप वाले से यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड लुक ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।